दिल्ली से सोनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार 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 डॉक्टर जी। आदाब सोनिया जी। जी। मेरी एज 52 ईयर्स है और मुझे काफी सालों से थायराइड है, ठीक और है। अभी कुछ दिनों से मुझे लोअर बैक, मतलब लोअर बैक और थाइस के बीच में काफी स्टिफनेस फील होती है और लोअर बैक में बहुत पेन रहता है। थायराइड भी आपका ठीक हो सकता है और ये मर्ज भी ठीक हो सकता है। इस मर्ज के लिए या तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद ले सकते हैं। गोंद सियाह मिल जाए, एक काला गोंद आता है, जायके में कड़वा होता है और ज़रा संभल के लेना, नकली बहुत होता है। आधा आधा ग्राम अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। थायराइड के लिए देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप वो दवा खाते हुए खाएं और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, ये सूखा मिलता है सब, और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद। अच्छा, ये गौन महंगे आते हैं, सस्ते न लें, बस असली लें। गौन मोरिंगा जो लें वो सफ़ेद वाला लें, लाल वाला ना हो। ये पाउडर बना के आप एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें। वो दवा भी लेते रहें जो आप लेते हैं और आप देखेंगे कि हर महीने आपकी थायराइड की गोली की प्रोटेंसी कम करेंगे डॉक्टर। आप भी अपनी रिपोर्ट पुरानी और नई देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है, फिर भी 6-7 महीने लग सकते हैं। हमारे साथ रीना जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हाँ मैम नमस्ते, नमस्कार मुझे थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी रीना जी, आदाब, बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, हमको आज कम से कम 10 साल हो गया, 2010 से ही ये प्रॉब्लम है। मेरे पूरे ज्वाइंट में डॉक्टर साहब दर्द रहता है और पूरी दिन ही को ऐसे लगता है ना कि फीवर है। अब बहुत कमजोरी महसूस होती है, मेरे बिल्कुल चलने का मन नहीं करता है ना, कुछ ऐसे अजीब जैसे मेरा एकदम बैठे बैठे सुस्ती जैसे। 5 मिनट भी खड़ा होती हूँ डॉक्टर साहब तो मैं बिल्कुल ऐसे मेरे एकदम घबराहट जैसे एकदम सुस्ती आ जाती है, एकदम मन ही नहीं करता कुछ करने को। अच्छा, आयु कितनी है आपकी? हमारी उम्र है 54 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत इलाज भी कराए होंगे, सारे इलाज कराए होंगे, लेकिन एक इलाज ऐसा भी है जिससे ये रोग जा सकता है। और इलाज आप समझ लीजिए कि आप ऐसे 500-600 ग्राम अलसी लें, अलसी, और इसको पाउडर हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। और या तो आपको गोंद सियाह मिल जाए असली, इसमें नकली बहुत आता है, एक कड़वा गोंद होता है, काला रंग का गोंद होता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है, ये नकली बहुत मिलता है, तो असली ले लें। और देखिए 100-150 ग्राम भी आपको मिल गया ना, 100-200 ग्राम भी, तो इसको अलग से पाउडर बना के रख लें। एक चम्मच रोज़ाना अलसी का पाउडर खाएं, इसमें एक चुटकी या दो चुटकी गौंद स्याह मिलाकर खाएं सुबह और शाम, और ये ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। या फिर अलसी तो आपको खानी ही खानी है, अलसी खाएं। गौंद स्याह अगर नहीं मिले या नकली मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक चम्मच अलसी के साथ ज़रूर खाएं। 5 से 10 दिन के बाद थोड़ा सा फ़ायदा शुरू होगा, थोड़ा सब्र करना, क्योंकि ये दर्द की दवा नहीं है, आपके मर्ज़ की दवा है। दर्द की दवाएं तो आपने बहुत खा ली, आप इसे कोशिश करिए, मुझे उम्मीद है आपको रोग मुक्त होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ अर्जुन है एमपी से, स्वागत है अर्जुन जी। नमस्कार अर्जुन साहब जी। अर्जुन भाई आता जी, सवाल था हमारी धर्म पत्नी के लिए। उनको लीवर में प्रॉब्लम है, जांच कराने पे पता चला कि उनको हेपेटाइटिस की शिकायत है, जांच में आया सर। तो डॉक्टर उनको एक गोली रोज खाने के लिए देते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, और उनको एसिड, मतलब एसिडिटी बहुत बनती है सर, और पूरे मुंह में मतलब छाले ही छाले रहते हैं, और उठते से कभी। उनकी उम्र है 43 साल, 43। ठीक। हाँ देखिए, ऐसे ही ख्याल रखिए उनका, और जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं वो दीजिए,
लेकिन एक दवा आती है, एक जड़ी है और बड़ी अजीब सी है वो, जैसे क्या बताऊँ, बाहर से तो सफ़ेद सफ़ेद होती है, अंदर से हरी होती है, और इसे कहते हैं कुटकी। कुटकी आप समझ लीजिए, कुटकी आप लिख लीजिए, कुटकी लीजिए ऐसे 100 ग्राम के करीब खरीद लीजिए, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन दोनों को पाउडर बना लीजिए। गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, और कुटकी बहुत कड़वी होती है, कुछ ज़्यादा ही कड़वी होती है। पहले मुंह में रखो तो कड़वी नहीं लगती, लेकिन बहुत देर तक रखो तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। तो ये दोनों मिलाकर आप ऐसे 2 चुटकी रोज़ाना उन्हें खिला दिया करिए। 2 चुटकी मतलब समझ लीजिए 0.5 ग्राम या उससे कुछ ज़्यादा होता है, और पानी पिला दिया करिए। ऐसा आप दिन में 2 खुराक दे सकते हैं, और महीना 2 महीना उन्हें खिलाइए, असर नज़र आ जाए तो फ़ौरन फ़ोन करके, अगर हमसे ही बात ना हो सके तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पूरी बात बता के आगे की रहनुमाई ले सकते हैं। कॉलर मुंबई से अक्षय, स्वागत है अक्षय जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो जी। अक्षय साहब। हाँ जी, मुझे भूख नहीं लगती है दिन में। कब से ये दिक्कत है आपको? 1 साल हो गया। 1 साल से। आपकी एज क्या है? मेरी एज 25। ठीक है। हाँ देखिए, मेथी, सौंठ, आंवला, धनिया 200 ग्राम लीजिए। मेथी, सौंठ, आंवला, धनिया 200 ग्राम लीजिए, और इसको पाउडर बना लीजिए, और इसमें नमक आता है कलौंजी का, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं इसे, कलौंजी का रसायन या कलौंजी का नमक या एस्टेक कलौंजी। ये देखने में नमक जैसा होता है, लेकिन जायके में नमक जैसा नहीं होता, नमकीन नहीं होता। इसमें मिलाइए और पाउडर बनाइए, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले खाना शुरू करें, और ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, छत्तीसगढ़ से अगले कॉलर हैं, किलेश्वर जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सर। जी बोलिए। मेरा वाइफ सर ये पीर हमेशा दर्द करते रहता है सर, दवाई वाई खाती तो कोई असर नहीं कर रहा। एज क्या है उनकी? 30 साल। ठीक है। क्या दर्द होता है? सर में बहुत दर्द रहता है, दवाइयाँ खाती हैं तब भी असर नहीं। देखिए, इस उम्र में और इस वक्त में सबसे ज़्यादा बीमारी जो पाई जा रही है वो सर्वाइकल की है, और ये कम उम्र लोगों को भी होता है। देखिए, ये एक्सरसाइज, ये उनको 2-3 मिनट रोज़ करनी है, चाहे 1-1 मिनट करके करें, और ऐसे 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 एक्सरसाइज करते रहें। हो सकता है दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़े, जो दवा खा रहे खाते रहिए, और उससे भी नहीं हो तो फिर आप कैप्सूल टी केयर रोज़ाना 1 बार उन्हें खिलाया करें, लेकिन ये एक्सरसाइज 10 दिन से पहले बंद ना करें। 10 दिन में अगर कोई रिजल्ट आ जाए तो ये हमेशा अपने एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। भोपाल से अगले कॉलर राम सुंदर, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे ये पैर दुखते हैं। हाँ। पैर दुखते हैं आपके बहुत ज़्यादा जी। एज क्या है आपकी? कमर भी बहुत दुखते है। एज क्या है आपकी? 70-60 है जी। जी। अच्छा देखिए, एक बहुत मशहूर नुस्खा जिससे करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया, वो है गौंदस्या। एक काला गौंद है जो किस्मत वालों को मिलता है बड़ी मुश्किल से, असली, नकली तो बहुत मिलता है, असली गौंद है। तो ये अगर आपको 100-200 ग्राम मिल जाए असली, तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते के पश्चात बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से आप खाना शुरू करें, और इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर ये नकली मिले, नहीं मिले, मुश्किल से मिले, तो आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, टी फॉर टाइगर। ये आप कई महीने तक अगर इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। मेरा बाल टूट रहा था, उसके बारे में पूछना था।
सर का बाल झड़ रहा था सर का। अच्छा। हाँ, पेट में दिक्कत इतना रह रहा था, पेट पेट पूरा खराब रहता है, गैस रहता है, पूरा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है हमारा। उम्र 31 साल है। 31 साल में ये हाल है। अच्छा ठीक है, देखिए पेट ठीक कर लीजिए, बाल ठीक खुद हो जाएंगे। एक नुस्खा है जो आपके दोनों चीज़ों पर काम करेगा। देखिए आंवला 200 ग्राम, आंवला सूखा मिलता है 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम नमक जैतून। ये नमक जैतून एक सफ़ेद रंग का नमक जैसा दिखने वाला रसायन है, जैतून का रसायन कहते हैं, या एस्टेक जैतून कहते हैं, या नमक जैतून हम आसान जबान में कहते हैं। 100-150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाया करें पानी से। आप देखेंगे ये आपके पेट के साथ दिमाग और बालों की भी खबर लेता है। इसी के साथ निखिल हैं अगले कॉलर स्वरूप नगर से, स्वागत है आपका निखिल जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? ये सर मेरा डिस्क में दिक्कत है। डिस्क में? हाँ सर, एक साल पहले हो गई थी सर, L3-L4 में, तो फिर मतलब बैक बैक में दर्द रहता था। अब सर मैंने थोड़ा वजन वगैरह उठा लिया तो 3-4 महीने से फिर मेरे L4-L5 में भी हो गए। अब मेरी उल्टी टांग में सुनपन रहता है और गोटे के यहाँ से कटकता रहता है। तो सर अब मैंने थेरेपी करवाई थी, मतलब 60-70% आराम हो गया, लेकिन अगर अभी एक्सरसाइज नहीं करूँ तो वो भी दर्द हो जाता है। और अब सर सर्वाइकल भी मतलब उल्टा हाथ भी सुन रहने लग गया सर, सर्वाइकल में भी दिक्कत आ गई सर कभी न, 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 नाड़। उम्र बता दीजिए अपनी, आयु आयु कितनी है? 21 साल। अरे आप तो बहुत ज्यादा कम उम्र हैं। आप देखो एक तो वजन उठाना बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो ये बार बार होगा आपको। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद खाएं, और जहाँ तक हो सके ये वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। वज़न उठाना बिल्कुल छोड़ दें, बहुत कम उम्र है, अभी आप ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा उम्र तक ही रहा तो ये आदमी को बहुत खून के आंसू रुलाता है, इतना मर्ज बढ़ जाता है। यंग बच्चे जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी भी ठीक हो जाएं तो 3-4 महीने दवा खाना, और वजन उठाने की सबसे बड़ी पाबंदी है आप पर। ग्वालियर से अगले कॉलर मिसेज अग्रवाल, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते अभिनकार। आदाब। हाँ जी, वो मेरे सिर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रखी है और बहुत बाल झड़ते हैं अजीन साहब। ठीक है जी। और खुजली भी हो रखी है सिर में बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। आप देखें कि जो महिलाएं घर पे दूध में से बालाई और बलाई में से जो घी निकाल लेते हैं, ये घी आप रोज़ाना अपने सर में लगाया करिए। चाहे तो रात को लगाएं और सुबह को वॉश कर दें, या सुबह लगा लिया करें रात को वॉश कर दें। ऐसा आप एक हफ्ते तक करें तो ये आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है।